जिस ट्रेन हादसे में 280 लोगों की जान चली जाए। जिसे देखकर दिल पसीज जाए। आखिर उस हादसे को कोई कैसे सांप्रदायिक रंग दे सकता है। लेकिन है कुछ ऐसे लोग जिनकी आंखों में शर्म जरा भी नहीं है। शायद इंसानियत का तार तार होना इसी को कहते हैं। मैं बात कर रही हूं उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे की। उड़ीसा में 2 जून को एक भयंकर रेल हादसा हो गया जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 280 लोगों की जान चली गई जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर इस रेल हादसे को कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने लगे, जिसे लेकर उड़ीसा पुलिस ने एक चेतावनी वाला बयान जारी किया। पुलिस ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा पुलिस की ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब ट्रेन दुर्घटना को कुछ तस्वीरों के जरिए कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने लगे हैं। द रैंडम इंडियन नाम के एक ट्विटर यूजर ने ड्रोन द्वारा खींची गई ये फोटो शेयर की, जिसमें दुर्घटना वाली जगह के पास एक मस्जिद होने का दावा किया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक एरो जैसी लाइन के जरिए एक सफेद इमारत को मस्जिद बताया जा रहा है। साथ ही इस यूजर ने फोटो में कैप्शन दिया है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल यानी शुक्रवार दुर्घटना वाला दिन था। हादसे के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है और देखते ही देखते ट्विटर पर ये ट्वीट वायरल होने लगा, जिसके बाद कई और लोग भी ट्रेन हादसे वाली जगह के बगल में मस्जिद होने का दावा करने लगे। इस हादसे के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है और इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी बालासोर ट्रेल दुर्घटना पर पीएम मोदी की कड़ी निंदा की और उन पर आरोप लगाया। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए रेलवे एक खिलौना बन गया है, जब देखो तब रेलवे को हरी झंडी दिखाते रहते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक इवेंट है, साथ ही प्रचार का एक साधन है। इसके अलावा राउत ने पीएम मोदी के बारे में क्या कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। छोटे मोटे आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए, सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा संजय राउत ने पीएम मोदी के बारे में। रेल मंत्रालय ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए हाई कमिश्नर के आदेश दिए हैं, तो वहीं सीबीआई से भी जांच कराने की सिफारिश की गई है। रेलवे ने घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की मदद दी जानी है। फिलहाल बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।